सो हाई एवरी रेहान अहमद यार कल का सेशन वहाँ पर नहीं ले पाया था क्योंकि कल आप सभी लोग को पता है कि यहाँ पर हमारे पास गेट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का नोटिफिकेशन ऑलरेडी कल आ चुका था तो जब मैं यहाँ पर सेशन लेने के लिए आने वाला था उसी टाइम पे देखे थे कि कल का सेशन में यहाँ पर आपके पास नोटिफिकेशन यहाँ पर हमारे पास कम्प्लीट अच्छे लेवल पे वहाँ पर उसके एनालिसिस करनी थी तो कल के सेशन के लिए सॉरी आज वही वाला सेशन क्या करेंगे हम लोग यहां पर आज रिस्कैड्यूल करवाएं तो यहां पर आज हम लोग बात करने वाले कि अभी तक हमने यहां पर वोल्टेड कनेक्शन हमने यहां पर जो डील किया था उसी का आज हम यहां पर एक बहुत ही अच्छे लेवल पे हम यहां पर न्यूमेरिकल हम यहां पर सॉल्व करने वाले रहेंगे ठीक है और न्यूमेरिकल के बारे में बात करूं तो आप कभी भी समझिएगा कभी भी हमारे पास डिजाइन का हमारे पास कोई भी सब्जेक्ट हो अगर सॉम स्ट्रक्चर एनालिसिस आर स्टील ठीक है ये चारों सब्जेक्ट्स के बारे में बात करूँ तो हम जो भी कंसेप्ट पढ़ते हैं वो तो ठीक है बट असली चीजें हमारे पास तभी समझ में आती है उसका हम अवेलेबल पर सेशन को शेयर कर दो और जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर अवेलेबल है सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कर दीजिएगा काफी बढ़िया लेवल पर हम यहाँ पर बोल्टेड कनेक्शन के हमने यहाँ पर जितने भी हमने यहाँ पर हमने यहाँ पर पढ़ा पूरे को क्या करेंगे हम यहाँ पर समराइज करेंगे पूरे क्या करेंगे हम यहाँ पर एक क्वेश्चन के थ्रू हम यहाँ पर सारी चीजें क्या करेंगे हम यहाँ पर सोल्व करने वाले रहेंगे ठीक है तो एक बार सभी लोग यहाँ पर सेशन को बहुत बढ़िया लेवल पे आप लोग यहाँ पर शेयर कर दो और काफी अच्छे लेवल पे आप सभी लोग यहाँ पर सेशन को यहाँ पर लाइक कर दीजिएगा ठीक है चल स्टार्ट करते हैं तो क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पर डील करने वाले दैट इज न्यूमेरिकल ऑन वोल्टेड कनेक्शन के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे ठीक है न्यूमेरिकल ऑन वोल्टेड कनेक्शन के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं अब वो न्यूमेरिकल क्या है उसके बारे में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं तो यहां पर मैं बोल रहा हूँ सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास क्या है ये हमारे पास क्वेश्चन यहां पर गिवन है सभी लोग यहाँ पर ध्यान से है ना ध्यान से मतलब एकदम ध्यान से यहाँ पर एक बार क्वेश्चन को बहुत बढ़िया लेवल पे एक बार रीड कर लो बोला गया हमारे पास डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ 20 एम एम डायमीटर बोल्ट ऑफ क्लास 4.6 पॉइंट सिक्स फॉर द फॉलोइंग केसेस ठीक है यहाँ पर आपके पास बोल्ट का डायमीटर हमारे पास गिवन है बोल्ट का हमारे पास क्या देखे रखा है हमारे पास क्लास ऑफ दी बोल्ट हमें यहाँ पर रखा है बोल रहे हमें यहां पर उस बोल्ट की स्ट्रेंथ को क्या करना है हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना रहेगा उस बोल्ट की स्ट्रेंथ को क्या करना रहेगा हमें यहां पर फाइंड आउट करना रहेगा उसके लिए हमारे पास फॉलोइंग केसेस मतलब हमारे पास तीन अलग अलग केसेस यहाँ पर दे के रखा है ठीक है तीन अलग अलग केसेस यहाँ पर दे के रखा है सभी लोग सेशन को एक बार शेयर कर दो यार है ना मैं चाहता हूँ यहां पर जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर अगर बने रहेंगे बहुत अच्छे लेवल पे तो यहाँ पर हमें काफी बढ़िया लेवल पे हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम डील कर सकते हैं तो यहां पर आपके पास मैंने जितने भी टाइप के ज्वाइंट्स के बारे में बताया था वो तीनों टाइप के ज्वाइंट आपको यहां पर देखने को मिलेगा बहुत आसान क्वेश्चन में लेके आया हूं हाँ यहां पर ऐसा नहीं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेके आया हूं तो सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो क्वेश्चन में बोले हमारे पास डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ 20 बोलेम mm डायमीटर मतलब हमारे पास क्या देख है ग्रेड ऑफ दी बोल्ट देख है हमारे पास कौन सा ग्रेड है हमारे पास एम ट्वेंटी हमारे पास क्या है यहाँ पर बोल्ट आपको यहां पर देखने को मिलेगा क्लास ऑफ दी बोल्ट यहाँ पर देख है हमारे पास क्लास कौन सी हमारे पास ये हमारे पास दैट इज फोर पॉइंट सिक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ठीक है अब मैं बोल रहा हूं हमारे पास फॉर द फॉलोइंग केसेस मतलब यहां पर तीन केसेस आपको यहां पर है ठीक है पहला केस बोल रहा है हमारे पास लैप ज्वाइंट के लिए दूसरा केस बोल रहा है हमारे पास बर्ड ज्वाइंट है लेकिन कौन सा सिंगल कवर बर्ड ज्वाइंट है तीसरे केस के बारे में बात करूं तो बोल रहे हमारे पास बर्ड ज्वाइंट है लेकिन कौन सा हमारे पास डबल कवर बर्ड ज्वाइंट आपको यहां पर देखने को मिल रहा है और जो प्लेट्स को जिनको हमें यहां पर ज्वाइन करवाना है बोल्टेड कनेक्शन के थ्रू वो प्लेट्स के बारे में बोला है हमारे पास द मेन प्लेट्स टू बी ज्वाइंट आर 14 एम एम थिक और उनका जो हमारे पास स्टील जो है हमारे पास वो जो प्लेट का हमारे पास जो ग्रेड है वो कितना है है हमारे पास पास दैट इज पर आपके रखा अब हमें क्या करना है इस बोल्ट का हमें क्या करना है? हाँ करना है है पर स्ट्रेंथ को फाइंड आउट सभी लोग एक बार बताइएगा क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे लेवल पे रीड किया कि नहीं किया सभी लोग यहाँ पर बताएंगे क्वेश्चन को आप लोग सभी लोग बहुत बढ़िया लेवल पे रीड कर लिए क्या यहाँ पर सारे केसेस आप लोग को यहाँ पर समझ में आ गए क्या पूछा गया हमारे पास क्वेश्चन के एनालिसिस यहाँ पर अच्छे से कर लियो तो यहां पर अपन क्या करेंगे सोल्यूशन हम यहां पर स्टार्ट करेंगे सबसे पहला केस मैं यहां पर लूंगा सबसे पहला केस कौन सा है हमारे पास दैट इज लैब ज्वाइंट आपको यहां पर देखने को मिलेगा ठीक है सबसे पहला केस के बारे में बात कर रहा हूं तो यहां पर हमें लैब ज्वाइंट का हमें यहां पर देखने को मिलेगा तो सबसे पहला केस मैं यहां पर स्टार्ट किया मैं यहां पर बोल रहा हूं कि हम लोग यहां पर सबसे पहला हमारे पास जो लैब ज्वाइंट है उसके बारे में यहां पर बात करूंगा ठीक है लैब जॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं मतलब हमारे पास ये दो प्लेट्स हैं ठीक है ये हमारे पास क्या आ रहे हैं ये हमारे पास दो प्लेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और इनके बीच में क्या हो रहा है हमारे पास इनके बीच में यहाँ पर आपके पास बोल्टेड कनेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है इनके बीच में आपको यहाँ पर बोल्टेड कनेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये दोनों प्लेट्स के बीच में हमने क्या किया एक बोल्ट हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया अब आप यहाँ पर देखिएगा लैब जॉइंट हमारे पास बोला गया है दोनों प्लेट जो हमारे पास जॉइन हो रही है उसकी थिकनेस कितनी हमारे पास फोर्टीन एम मैम दोनों प्लेट्स हम यहाँ पर जो ज्वाइन कर रहे हैं इसकी थिकनेस कितनी है हमारे पास इसकी थिकनेस है हमारे पास फोर्टीन एम एम और ये भी प्लेट की थिकनेस कितनी है हमारे पास ये भी है हमारे पास दैट इज फोर्टीन एम एम हमारे पास दे के रखिए अब यहाँ पर आप लोग समझिएगा बोल्ट के बारे में बात करूँ तो हमारे पास बोल्ट के बारे में क्या बताया गया बोल्ट के बारे में बताया गया कि हमारे पास ये एम ट्वेंटी बोल्ट है क्लास कितना है इसका इसका क्लास है हमारे पास दैट इज फोर पॉइंट सिक्स तो यहाँ पर मुझे क्या करना है स्ट्रेंथ हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना रहेगा अब अगर मुझे यहां पर स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है बोल्ट का अगर मुझे यहां पर बोल्ट का स्ट्रेंथ अगर मुझे यहां पर फाइंड आउट करना है तो मैंने आप सभी लोग को बताया था कि हमारे पास जो फेलियर जो आता है हमारे पास बोल्ट में जनरली हमारे पास तीन टाइप के देखने को मिलते हैं पहला अगर मैं बात करूँ तो पहला आता है हमारे पास शेयरिंग फेलियर तो यहां पर मैं शेयरिंग स्ट्रेंथ में यहां पर निकालूंगा बोल्ट की मतलब क्या हमारे पास दैट इज वी डी एस बी ठीक है सेकेंड अगर मैं बात करूँ यहां पर सेकेंड अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो सेकेंड हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्या सेकेंड हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इसका दैट इज बियरिंग स्ट्रेंथ सेकेंड हम यहाँ पर निकालेंगे दैट इज बियरिंग स्ट्रेंथ और थर्ड हम यहाँ पर निकालेंगे थर्ड हम यहाँ पर बात करेंगे दैट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे ठीक है तीन टाइप का स्ट्रेंथ हमें पर फाइंड आउट करना रहेगा यार आप लोग शेयर नहीं कर रहे खुद ही देखो, देखो यहाँ कम है यार पर मैं इतना ब्यूटीफुल तो करते हो फिर उसको पूरा कंप्लीट नहीं करवा पाते हो दिस इज द रीजन है ना आप लोग के सामने आप लोग का रीजन है क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखोगे मैंने हर एक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझाया है आप लोग के लिए पूरा प्रॉपर यहाँ पर पीपीटी बना के सब क्वेश्चन वगैरह लेके आयो उसके बाद यहां पर आप लोग सेशन शेयर नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा सेशन यहाँ पर दबा के शेयर करना है सभी को स्ट्रेंथ ऑफ वोल्ट हम यहाँ पर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो यहां पर आप लोग देखेगा सबसे पहले मैं यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहता हूँ किसमें हमारे पास दैट इज शेयर स्ट्रेंथ मैं यहाँ पर फाइंड आउट करूंगा सबसे पहले लैब जॉइंट के लिए मैं यहाँ पर शेयर स्ट्रेंथ मैं यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहता हूँ वी डी एस बी मैं यहां पर निकालना चाह रहा हूँ अगर मैं यहाँ पर वी डी एस बी के बारे में बात कर रहा हूँ वी डी एस बी के बारे में बात कर रहा हूँ फॉर्मूला क्या हमारे पास फॉर्मूला होता है हमारे पास दैट इज एफ यू बी डिवाइडेड बाय रूट थ्री इंटू गामा एमबी बी हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है दैट इज एन एन ए एन बी प्लस एन एस ए एस बी इंटू क्या होता है हमारे पास रिडक्शन फैक्टर्स लेकिन यहां पर अभी आपके पास कुछ भी रिडक्शन फैक्टर्स वगैरह आपके पास यहां पर ओके <coughs> okay. मैं वहां पर कभी रहा नहीं हूं वैसे बाय द वे ठीक है कोई नहीं मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ हमारे पास वी डी एस बी की अगर मैं बारे में बात करूँ तो ये हमारे पास फॉर्मला है देखो एफ यू बी अगर मैं बात करूँ आप यहाँ पर देखिएगा आप यहाँ पर देखिए क्लास ऑफ बोल्ट हमारे पास देखे रखा है ठीक है वापस आएंगे सभी लोग क्लास ऑफ बोल्ट हमारे पास क्लास ऑफ बोल्ट हमारे पास देख रखा है दैट इज फोर पॉइंट सिक्स मुझे यहाँ पर सभी लोग बताएगा एफ यू बी की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर अगर हमारे पास क्लास ऑफ बोल्ट हमारे पास फोर पॉइंट सिक्स है तो यहाँ पर एफ यू बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी एफ यू बी की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी

यूट्यूब में आप लोग रिसीव करोगे ठीक है तो वहां पर जो थोड़ी देर का यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप आता है तो इसलिए यूट्यूब में न्यूमेरिकल पढ़ाने में उतना ज्यादा मज़ा नहीं आता जितना पेड में आता है क्योंकि मैं कुछ भी चीज बोलूंगा फट से आंसर आता है फट से हम लोग साथ साथ में दोनों स्टूडेंट्स और टीचर साथ साथ में क्या करते हैं यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते रहते एफ यूबी की वैल्यू कितनी होगी परफेक्ट है ना एफ की वैल्यू आएगी हमारे पास दैट इज फोर के बराबर एफ की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास दिस विल बी भीक्स टू फोर हंड्रेड मेगा इसकी वैल्यू होगी हमारे पास दैट इज 400 हंड्रेड मेगा पास वाई बी बात करूंगा तो 400. मतलब इसकी पास इज फोर हंड्रेड डिवाइडेड अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे डायग्राम्स के थ्रू तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर प्लेन्स कितने आ रहे यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर प्लेन्स यहाँ पर कितने आ रहे नंबर ऑफ शेयर प्लेन्स यहाँ पर कितने आ रहे होंगे

इंटू डी का स्क्वायर मतलब तो सभी लोग यहाँ पर बताएंगे की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है जो भी आंसर आएगा में आएगा मैं यहाँ पर चाहता हूँ किलो न्यूटन में इसका आंसर देंगे मैं यहाँ पर चाहता हूँ सभी लोग यहाँ पर मुझे किलो न्यूटन में इसका आंसर यहाँ पर देंगे सभी लोग यहाँ पर किलो न्यूटन में इसका आंसर आप सभी लोग यहाँ पर देंगे सभी लोग सोल्व करके बताएंगे हमारे पास शेयर स्ट्रेंथ यहाँ पर कितनी आ रही है सभी लोग यहाँ पर सोल्व करके बताएंगे हमारे पास शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है हमारे पास वोल्टेड कनेक्शन की बोल्टेड कनेक्शन की यहां पर शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू कितनी हमें यहां पर देखने को मिल रही है किसी का आ रहा है आंसर कि नहीं आ रहा है? किसी का आया आंसर 400 हंड्रेड डिवाइड बाई रूट थ्री इंटू वन पॉइंट टू फाइव वन इंटू पॉइंट सेवन एट इंटू फाइव बाई फोर इंटू ट्वेंटी का स्क्वायर यहाँ से मुझे जल्दी से आंसर बताएगा मैंने पहले ही बोला था आप लोग कॉपी और पेन वगैरह सब साथ में लेके बैठोगे तभी मजा आएगा यहां पर पढ़ने में इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास इसका आंसर आएगा हमारे पास दैट इज फोर्टी फाइव पॉइंट इसका आंसर आएगा हमारे पास दैट इज फोर्टी फाइव पॉइंट टू सिक्स किलोमीटर इसका आंसर आएगा हमारे पास फोर्टी फाइव पॉइंट टू सिक्स ठीक है

ज योर परमिसिबल हमारे पास बियरिंग स्ट्रेस के बारे में हमने यहां पर बात किया था हमने यहां पर परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस के बारे में बात किया था बियरिंग एरिया कितना था हमारे पास ये था हमारे पास दैट इज डी इंटू टी मिनिमम के बराबर बियरिंग एरिया कितना था हमारे पास ये था हमारे पास दैट इज डी इंटू टी मिनिमम के बराबर आपको यहां पर देखने को मिला था है ना दिस वॉज द फॉर्मुला जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था अब यहाँ पर देखिएगा हमारे पास सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एफ यू एफ यू क्या है हमारे पास एफ यू रहा है हमारे पास एफ यू के बारे में बात करूंगा तो एफ यू होता है हमारे पास दैट इज अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट वो कितना आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है हमारे पास 410 हंड्रेड टेन मेगा पासकल है ना एफ ई फोर वन जीरो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था अगर आप लोग नहीं लिखे हो तो आप सभी लोग यहाँ पर देख लीजिएगा ये हमारे पास क्वेश्चन था ये हमारे पास क्या था दिस वॉज द क्वेश्चन तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ हमारे पास ये एफ ई फोर वन जीरो आपके पास यहाँ पर जो गिवन है ये क्या बता रहा है हमारे पास एफ यू की वैल्यू बता रहा है कितनी दैट इज चार सौ दस मेगा पासकल आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है ठीक है ये हमारे पास वैल्यू आ रही दैट इज फोर हंड्रेड टेन मेगा पास यहां पर देखने को मिला अब यहां पर देखिएगा अगर मैं इसकी बियरिंग स्ट्रेंथ अगर मैं यहाँ पर निकालना चाह रहा हूँ तो हमारे पास एफ यू की वैल्यू आ गई हमारे पास 410 हंड्रेड टेन के बी के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले के बी क्या होगा हमारे हो 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 पास दिस विल बी द मिनिमम ऑफ ई अपॉन थ्री डी नॉट या फिर होगा हमारे हो पास दैट इज पी अपॉन ये हमारे पास दैट इज पी अपॉन थ्री डी नॉट पी अपॉन थ्री डी नॉट पी अपॉन थ्री डी नॉट माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास दैट इज पॉइंट टू फाइव थर्ड आएगा हमारे पास दैट इज एफ यू बी डिवाइडेड बाई एफ यू और फोर्थ आ जाएगा हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा तो हम यहाँ पर तीनों अगर वैल्यू नहीं आ रही है तो हम यहाँ पर वन कंसिडर लेंगे ठीक है तीनों वैल्यू अगर नहीं आ रही तो हम यहाँ पर वन कंसिडर लेंगे अब मुझे ई पी वगैरह कुछ भी नहीं गिवन है हमारे पास है ना हमारे, हमारे पास ना ही हमारे पास एंड डिस्टेंस पता है ना ही हमारे पास पिच पता है तो मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ सबसे पहले मैं यहाँ पर फाइंड आउट कर लेता हूँ हमारे पास कोडल प्रोविजन जो मैंने आप लोग को पढ़ाए थे जो मैंने आप लोगों को कोडल प्रोविजन जो मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे उसके बारे में बात करूंगा तो यहाँ पर ई e की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास मैंने आप लोगों को बताया दैट इज डी नॉट आपको यहाँ पर देखने को मिला था मिनिमम पिच कितना बताया था मैंने मिनिमम पिच मैंने आप लोगों को बताया दैट इज टू पॉइंट फाइव डी के बराबर तो ई e की वैल्यू कितनी कि हो जाएगी हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास वन पॉइंट फाइव डी नॉट की वैल्यू डायमीटर कितना की मैंने पास ट्वेंटी तो हमारे पास डायमीटर ऑफ होल में मैंने टू एम एम मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर दिया ठीक है नेक्स्ट में अगर पिच के बारे में बात करूँ तो इसकी वैल्यू आ जाएगी मिलेगा तो यहाँ तो पर मिनिमम पिच की वैल्यू कितनी आ जाएगी अगर कर दूंगा, तो ये आ जाएगा पिच टू पॉइंट फाइव इंटू ट्वेंटी कर दिया तो यहाँ पर वैल्यू गई कितनी हमारे दैट इज फिफ्टी एम एम आपको यहाँ पर देखने को मिली इसकी वैल्यू गई हमारे पास दैट इज फिफ्टी एम एम सर ये वाला फॉर्मुला कहाँ से आया ये वाला जो फॉर्मूला आप जो बताए हो ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आए आप लोग पुराना अगर लेक्चर देखे हो गए वहां पर मैंने एक मैंने लेक्चर लिया है स्टार्टिंग में जिसका नाम है हमारे 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 पास is, पास क्या? Is, पास दैट दैट इज इज ऑफ क्या कनेक्शन वहां पर मैंने एज डिस्टेंस पिच गेज डिस्टेंस हमारे पास एंड डिस्टेंस ये सभी चीजों के बारे में मैंने वहां पर बात की थी मिनिमम मैक्सिमम सब चीज कितना होता है तो वहीं से मैं, मैं तो यहाँ पर मिनिमम क्वांटिटी क्या मैं करू पर फाइंड आउट कर रहा हूँ तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास e की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास e की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास ठीक है तो यहां से आप लोग इसकी वैल्यू निकाल लीजिएगा आप लोग यहां से इसकी वैल्यू आप लोग यहां से फाइंड आउट कर लीजिएगा कितनी आ रही है सेकंड अगर मैं बात करूँ तो ये आएगा हमारे पास पिच की वैल्यू आई 50 अपॉन थ्री इंटू डी नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 22 minus आप यहाँ से इसकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं थर्ड अगर मैं बात कर रहा करूफ यू बी अपॉन एफ यू मतलब यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालेंगे फोर्थ जो आएगा हमारे पास फोर्थ वाली वैल्यू क्या है हमारे पास फोर्थ वाली वैल्यू आती है हमारे पास वन तो ऑब्वियस है हमारे पास फोर हंड्रेड डिवाइड बाई फोर हंड्रेड टेन हमारे पास वन से कम ही आएगा के बी की वैल्यू हम हमेशा क्या लेते हैं पर मिनिमम वैल्यू कंसिडर करते हैं

जो हमारे पास आएगी फर्स्ट वाले से। बाकी सब हमारे पास 5 से ज्यादा वैल्यू आपको यहां पर देखने को मिलेगी बाकी सारी वैल्यू आपको यहां पर 0.5 से आपको यहां पर ज्यादा वैल्यू आपको यहां पर देखने को मिलेगी ठीक है तो मैं यहां पर बोल रहा हूँ आप सभी लोग यहां पर समझिएगा मैं यहां पर बोल रहा हूं हमारे पास आप देखेंगे सभी लोग अगर मैं VDPB अगर मैं निकालना चाहता हूँ फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास दैट इज टू पॉइंट फाइव के बी इंटू एफ यू डिड बाई गई हमारे पास एफ यू की वैल्यू आ रही हमारे पास दैट इज फोर हंड्रेड टेन गामा एम बी की वैल्यू आई हमारे पास वन पॉइंट टू फाइव डी की वैल्यू आ रही है

सभी स्टूडेंट यहाँ पर मुझे सोल्व करके बताएंगे हमारे पास बियरिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू आपको यहाँ पर कितनी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है बियरिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है तो अगर मैं बात करूँ तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास दैट इज 114.8 किलो न्यूटन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये वाली जो वैल्यू आ रही है हमारे पास दिस विल बी इक्वल टू 114.8 पॉइंट आपको यहां पर देखने को मिलेगा थर्ड अगर मैं बात करूँ थर्ड हमारे पास जो क्राइटेरिया है वो क्या हमारे पास थर्ड क्राइटेरिया के बारे में बात करूँ तो वो होगा हमारे पास दैट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ आपको यहां पर देखने को मिल रहा है बोल्ट का थर्ड अगर मैं यहां पर बात करूँ तो वो आएगा हमारे पास दैट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट मतलब वैल्यू आएगी हमारे पास दैट इज टी डी बी के बराबर ठीक है तो यहां पर अगर मैं टी डी बी के बारे में बात करूँ तो इसकी वैल्यू होती है हमारे पास दैट इज पॉइंट नाइन एफ यू बी डिडेड बाय पॉइंट नाइन एफ यू बी डिडेड बाई गामा एम बी गामा एम बी इन टू ए एन बी के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी ये हमारे पास क्या था दिस इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ आप यहाँ पर चेक कर रहे थे तो इसकी वैल्यू कितनी है एन कि बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास ये होगा हमारे पास दैट इज पॉइंट सेवन एट इंटू फाइव बाई फोर इंटू ट्वेंटी का स्क्वायर पॉइंट सेवन एट इंटू फाइव बाई फोर इंटू ट्वेंटी का स्क्वायर आपको यहां पर देखने को मिलेगा तो so, सभी लोग यहाँ पर बताएंगे टी पास बी की वैल्यू आपको यहां पर कितनी देखने को मिलेगी टी की वैल्यू आपको यहां पर कितनी आपको यहां पर देखने को मिलेगी टी <laughs> की वैल्यू आपको यहां पर कितनी देखने को मिल रही है सभी लोग यहां पर मुझे बताएंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ में यहां पर पूछ लिया बियरिंग स्ट्रेंथ के बारे में हमने यहां पर बात कर ली और अगर थर्ड अगर आप यहां पर देखोगे तो हमने यहां पर शेयरिंग स्ट्रेंथ भी हमने यहां पर चेक कर लिया ठीक है तो टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू आप सभी लोग यहां पर बताएंगे कितनी आ रही है टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू आप यहाँ पर सभी लोग बताएंगे कितनी आ रही है सभी लोग यहाँ पर सॉल्व कर बताएंगे मेरे पास टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू आपको यहां पर कितनी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है कितनी आपको यहां पर टेंसाइल स्ट्रेंथ आपको यहां पर देखने को मिल रही है तो अगर मैं लैब ज्वाइंट के बारे में बात कर रहा करूं अगर मैं यहाँ पर लैब ज्वाइंट के बारे में बात कर रहा करूँ तो लैब जॉइंट में हमारे पास जो डिजाइन ऑफ द स्ट्रेंथ जो होगा हमारे पास है ना अगर मैं यहाँ पर डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट के बारे में बात कर रहा करूँ डिजाइन स्ट्रेंथ डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट के बारे में अगर मैं हाँ पर बात करूं तो वो क्या होगा पास? पास? मिनिमम मिनिमम ऑफ, ऑफ वो एस है और थर्ड आता है पास, ये तीनों में से हमारे पास जो भी मिनिमम होगा ठीक है कितना आ रहा है सेवन फाइव सेवन ओके इसकी वैल्यू आ रही to, रहा है 70.57 किलो न्यूटन तो आप सभी लोग यहां पर बताएंगे हमारे पास कि हमारे पास जो डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट जो होगा हमारे पास ठीक है यहां पर मैं बोल रहा हूं हमारे पास द स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट आपको यहां पर जो देखने को मिलेगा ठीक है स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट आपको यहां पर जो देखने को मिलेगा तीनों में सबसे मिनिमम कौन सा था आया था हमारे पास सबसे मिनिमम आया था हमारे पास दैट इज शेयर स्ट्रेंथ तो हमारे पास वैल्यू कितनी होगी फोर्टी 45.56 या फिर जो भी किलो न्यूटन आपको यहां पर देखने को मिला था उसके बराबर आपको यहां पर देखने को मिलेगी हमारे पास डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट की वैल्यू ठीक है यहां तक सभी को क्लियर है तो मैंने बोला डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट के बारे में बात कर रहा हूं तो हमारे पास तीनों में से जो भी मिनिमम होगा वो वाली वैल्यू क्या होगी हमारे पास दैट इज द वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड आउट किए ठीक है अब यहां पर देखिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है ठीक है क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या गिवन है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन था ठीक है यहां पर अगर मैं बात करूँ तो ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन था यहां पर आप लोग देखिएगा अगर मैं लैब जॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं तो हमारे पास वैल्यू कितने है 45.56 या जो भी वैल्यू हमारे पास आई थी एग्जैक्ट हमारे पास जो भी फिगर आया था आप यहां पर देख लीजिएगा कितना था हमारे पास 45.26 आया था ठीक है 45.26 आपको यहां पर देखने को मिला था

यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं हमारे पास बट ज्वाइंट के बारे में बात करूं मैं ठीक है यहां पर मैं बट ज्वाइंट के बारे में बात करूँ ये हमारे पास दिस इज द सेकंड पार्ट हमारे पास क्वेश्चन में बोला गया कौन सा बट ज्वाइंट हमारे पास सिंगल कवर बट ज्वाइंट है सिंगल कवर हमारे पास बट ज्वाइंट आपको यहां पर देखने को मिल रहा है तो मैं बोला ये दो प्लेट्स हैं हमारे पास ये दो प्लेट्स हैं ये दोनों को मुझे यहां पर ज्वाइन करना है दोनों की थिकनेस कितनी है? हमारे पास फोर्टीन एम एम ये भी हमारे पास कितना है हमारे पास थिकनेस आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है अब मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मैंने क्या बोला मैंने बोला कि इसके ऊपर हमारे पास एक कवर प्लेट लगी हुई है इसके ऊपर क्या लगी है हमारे पास कवर प्लेट आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है अब वो कवर प्लेट के बारे में बात करो अगर वो कवर प्लेट के बारे में बात करो तो आप यहाँ पर देखिएगा कवर प्लेट के बारे में बात करो तो हमारे पास कवर प्लेट की थिकनेस कितनी बोल के रखा है हमारे पास बोला सिंगल कवर बर्ड ज्इ भी टेन एम एम थिकनेस हमारे पास क्या है कवर mm प्लेट्स आपको यहां पर देखने को मिल रही है आप यहाँ पर देखिएगा मैं बोल रहा हूँ जो कवर प्लेट है ये जो हमारे पास कवर प्लेट है इसकी थिकनेस कितनी आ रही है हमारे पास टेन एम एम आपको यहाँ पर देखने को मिली अब मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर मैं वोल्टेड कनेक्शन में यहां पर अप्लाई कर रहा हूँ ठीक है मैंने यहां पर क्या बोला मैंने यहां पर बोला कि यहां पर मैं

आपको यहाँ पर कोई भी चेंजेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे क्या सभी लोग बताएगा VDSB का फॉर्मूला क्या था हमारे पास VDSB का फॉर्मूला था हमारे पास दैट इज एफ यू अपॉन रूट थ्री इंटू गामा एम बी इंटू प्लस एन प्लस एन ये हमारे पास फॉर्मूला था मेरे को एक बात बताएंगे नंबर ऑफ शेयर प्लेन्स कितने आ रहे? अगर मैं बोल्टेड कनेक्शन अगर मैं यहाँ पर लगाया किस में हमारे पास दैट इज सिंगली कवर बट ज्वाइंट में अगर मैं यहाँ पर बोल्टेड कनेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ आप सभी लोग इस डायग्राम को यहाँ पर देखेगा और मुझे बताइएगा कि इस डायग्राम में हमारे पास आपके पास नंबर ऑफ शेयर प्लेन्स कितने आ रहे हैं क्वेश्चन को यहाँ पर समझिएगा नंबर ऑफ शेयर प्लेन्स के बारे में बात करूँ सभी लोग यहाँ पर बताइएगा हमारे पास नंबर ऑफ शेयर प्लेन्स हमारे पास यहाँ पर कितने देखने को मिल रहे हैं तो नंबर ऑफ शेयर प्लेन्स के बारे में बात कर रहा हूँ तो हमारे पास यही आ रहा है एक शेयर प्लेन यही आ रहा है हमारे पास एक शेयर प्लेन और मैं क्या यहां पर इमेजिन करके चल रहा हूँ कि यहाँ पर ये यह जो शेयर प्लेन जो आ रहा है हमारे पास ये हमारे पास कहा से पास हो रहा है हमारे हमारे पास 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 थ्रेडेड पोर्शन से ही क्या हो रहा है? हमारे पास पास हो रहा रहा है है जब भी क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन होगा एक ही प्लेन आ रहा है तो आप उसको हमेशा थ्रेडेड पोर्शन से क्या करोगे आप वहां पर पास करके चलोगे क्यों सर ऐसे क्यों करना है हम शैंग एरिया क्यों नहीं ले सकते देखो हमारे पास ए एन बी की वैल्यू जो है वो ए एस बी से हमेशा कम आती है ठीक है मीनिंग समझिएगा ए एन बी की वैल्यू हमेशा यहाँ पर ए एस बी की वैल्यू से क्या होती है हमेशा यहाँ पर आपको कम देखने को मिलती है अगर मैं यहाँ पर की वैल्यू को अगर मैं कर रहा रहा तो तो हमारे पास एन भी हो रहा है, तो हमारे पास पास मल्टीप्लाई हो है ये एरिया की वैल्यू क्या हो रही है हमारे पास कम आ रही है एरिया की वैल्यू हमारे पास कम आ रही है तो अल्टीमेटली हमारे पास स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या होगी हमारे पास अंडर एस्टिमेट करूंगा मैं कम वैल्यू मैं वहां पर क्या करूंगा मैं वहां पर कंसिडर कर, कर करके चलूंगा मतलब मैं बोल रहा हूँ हमेशा स्ट्रेंथ जो होता है उसको हम हमेशा क्या करते हैं कम करके हम आपर, हम करके हम 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 पर पर चलते हैं ताकि हमेशा साइड आपने आर सी सी पढ़ा होगा मेरे से तो वहां पर हमारे पास जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है हमारे पास किसकी कॉन्क्रीट की वो होती है हमारे पास एफ सी के लेकिन जो डिजाइन स्ट्रेंथ होती है उसको हम कितना लेके चलते पॉइंट फोर फाइव टाइम्स ऑफ एफ सी के हम वहां पर लेके चलते है. तो हमेशा स्ट्रेंथ जो होती है हमारे पास कोई भी मटेरियल की उसको हम क्या करते हैं हमेशा हम अंडर एस्टिमेट करके चलते हैं ताकि हमारे पास क्या रहे हमेशा हम उसमें सेफ साइड में रहे इसलिए मैं यहाँ पर एन की वैल्यू कंसिडर कर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ एन की वैल्यू इसलिए मैं मैं थ्रेडेड पोर्शन को पर कंसिडर कर रहा हूं इंस्टेड ऑफ दैंक रीजन सभी को समझ में आया कंसेप्ट इसके पीछे का इसके पीछे का यहाँ पर सभी को कंसेप्ट समझ में आया तो यहां पर हमारे पास एन की वैल्यू सेम होगी ए की वैल्यू सेम होगी एफ की वैल्यू सेम रूट थ्री सेम गामा एम सेम मतलब हमारे पास वीडीएस बी के बारे में बात कर रहा हूं अगर मैं यहां पर वीडीएस बी के बारे में बात कर रहा हूं तो अगेन हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी फोर्टी फाइव पॉइंट टू सिक्स किलोमीटर आपको यहां पर देखने को मिला सभी लोग क्लियर है यहां तक सभी लोग यहां पर मुझे बताएंगे आप लोग जो मैं जो भी चीज बताया आप लोग को यहां पर अच्छे लेवल पे समझ में आया कि नहीं आया सभी लोग यहां पर बताएंगे जो भी चीज अभी आप लोग समझे आप लोग को सभी चीज यहां पर कंसेप्ट वाइज आप लोग को समझ में आई कि नहीं आई चलो नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे किस बारे में नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे दैट इज नेक्स्ट हम यहां पर डिस्कस करेंगे बियरिंग स्ट्रेंथ के बारे में बियरिंग स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं ठीक है हम यहां पर बात करेंगे दैट इज बियरिंग स्ट्रेंथ के बारे में हम यहां पर बात करेंगे बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ हमारे पास सिंगली कवर बट ज्वाइंट के बारे में हम यहां पर बात करने वाले तो यहां पर फॉर्मुला क्या है दैट इज वी डी पी बी वैल्यू कितनी हो है हमारे पास क्या? इसका अब मेरे को एक बात बताइएगा के बी की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास के बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी क्या कोई चेंजेस हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे के बी में के बी में हमें यहाँ पर कोई भी चेंजेस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं क्या केबी में हमें यहाँ पर कोई भी चेंजेस आपको यहां पर देखने को मिलेंगे क्या सभी लोग बताइएगा यहां पर सभी लोग यहां पर कमेंट करके बताएंगे <coughs> आप लोगों को यहां पर केबी में कोई भी चेंजेस आपको यहां पर देखने को मिलेंगे क्या केबी की वैल्यू कितनी आएगी यहां पर केबी की वैल्यू यहां पर कितनी आ रही है बहुत बढ़िया केबी की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा मतलब हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारे पास दिस विल बी इक्वल्स टू KB की वैल्यू होगी हमारे पास. के बराबर है ना. जैसे हमने निकाला था वैसे ही अब मैं पर पर, पर यहाँ पर बोल रहा हूँ तो आप यहाँ पर समझिएगा कि हमारे पास जो टी मिनिमम जो है हाँ ये हमारे पास क्या है दिस इज द डायग्राम के बारे में यहाँ पर बात किया मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर आप सभी लोग देख के बताइएगा टी मिनिमम जो होगा वो मैं यहां पर फोर्टीन एम mm एम लेके चलूंगा कि यहां पर मैं टेन एम mm एम लेके चलूंगा टी मिनिमम की जो वैल्यू होगी यहां पर मुझे सभी लोग बताइएगा कि मैं यहां पर फोर्टीन एम mm एम लेकर चलूँगा कि यहाँ पर मैं कवर क्या यहां पर हमारे पास दैट इज टेन एम एम मैं पर लेके चलूंगा सभी लोग यहां पर मुझे कमेंट करके बताएंगे टी मिनिमम की वैल्यू यहां पर कितनी आपको यहां पर देखने को मिलेगी टी मिनिमम की वैल्यू यहां पर कितनी देखने को मिलेगी सभी लोग नोट डाउन कर लिए यहां तक टी मिनिमम की वैल्यू यहां पर कितनी आ रही है बहुत बढ़िया है ना टेन हमारे पास क्या होगा तो अगर मैं यहां पर बर्ड ज्वाइंट के बारे में बात करूं यहां पर तो आप सभी लोग यहां पर समझिएगा हमारे पास टी मिनिमम क्या होगा टी मिनिमम के बारे में बात कर रहा हूं तो टी मिनिमम होगा हमारे पास दैट इज मिनिमम ऑफ मिनिमम ऑफ थिकनेस ऑफ कवर प्लेट और होगा हमारे पास दैट इज थिकनेस ऑफ मेन प्लेट

टी मिनिमम की वैल्यू कितनी ले लेंगे हम यहाँ पर टेन एम एम हम यहाँ पर कंसिडर कर लेंगे सभी लोग यहां पर मुझे सॉल्व करके बताएंगे हमारे पास VDPB की वैल्यू कितनी आएगी सभी लोग यहां पर मुझे सॉल्व करके बताएंगे कि यहां पर हमारे पास VDPB की वैल्यू यहां पर आपको कितनी देखने को मिलेगी VDPB की जो हमारे पास वैल्यू आएगी ये वाली वैल्यू हमें यहाँ पर कितनी देखने को मिल रही है सभी लोग यहाँ पर मुझे सॉल्व करके बताएंगे सभी लोग यहां पर मुझे सोल्व करके बताएंगे वीडीपीबी की वैल्यू यहां पर कितनी आ रही है सभी लोग यहां पर सोल्व सबसे पहले कितना आ रहा है हमारे पास दैट इज 82 किलो न्यूटन हमें यहां पर देखने को मिला वैल्यू आ रही है आपको यहां पर देखने को मिल रही है ठीक है हमेशा याद रखिएगा हमारे पास जो बोल्ट जो होता है बोल्ट हमारे पास जो प्री जो इफेक्ट हमारे पास आता है वो हमारे पास किसका देखने को मिलता है वो आता है हमारे पास शेयरिंग और बेयरिंग का तो अगर आप टेंसाइल वाला नहीं भी निकालोगे तो भी चल जाएगा तो मैं यहां पर बोल रहा हूँ कि हमारे पास अगर मैं यहाँ पर डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट के बारे में बात कर रहा करू अगर मैं यहाँ पर डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट के बारे में बात कर रहा करूँ तो ये कितना होगा हमारे पास दिस विल बी टू मिनिमम ऑफ ये होगा हमारे पास दैट इज फोर्टी फाइव पॉइंट टू सिक्स और होगा हमारे पास दैट इज एटी टू तो मैं पर बोल रहा हूँ फोर्टी फाइव तक सभी चलिए आते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन में अगेन हम यहां पर अगेन आएंगे किसमें दैट इस क्वेश्चन के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे तो आप यहाँ पर क्वेश्चन में देख रहे थे तो हमारे पास सेकंड वाला भी हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया हमारे पास आंसर कितना आ रहा था Second भी हमने पर निकाल लिया इसका भी आंसर हमें पर सेम ही देखने को मिला कितना 45 हमें आप पर देखने को मिला। है? 45 आपको यहाँ पर देखने को मिला यहाँ तक सभी को क्लियर है किसी को अभी भी तक कोई भी दिक्कत आई क्या किसी को यहाँ पर ये दोनों कंसेप्ट को समझने में अभी तक यहाँ पर आप में से किसी को भी कोई भी दिक्कत आप लोग को यहाँ पर देखने को मिली क्या नहीं है ना तो यहां पर दोनों हमारे पास कंसेप्ट क्या होंगे हमारे पास क्लियर होंगे आते हम यहां पर किसमें हमारे पास दैट इज थर्ड केस में आएंगे तो थर्ड केस में क्या बोल रहे हैं हमारे पास कि हमारे पास जो जोइंट है वो कौन सा है साबल बल्ड ज्वाइंट है और इसकी थिकनेस कितनी है? हमारे पास एट एम mm थिकनेस आपको यहां पर देखने को मिल रही है डबल कवर बड ज्वाइंट है और हमारे पास कवर प्लेट्स कैसी लगी हमारे पास एट एम एम थिकनेस की हमारे पास क्या लगी यहाँ पर कवर प्लेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है तो आप सभी लोग यहाँ पर देखेगा अगर मैं यहां पर डबल कवर बट जॉइंट अगर मैं यहां पर बना रहा हूं ठीक है अगर मैं यहां पर डबल कवर बट जॉइंट अगर मैंने यहां पर बनाया तो आप सभी लोग यहां पर नोटिस करेंगे कि जो थर्ड वाला जो पार्ट है हमारे पास दैट इज डबल कवर दैट इज डबल कवर बट जॉइंट के बारे में यहां पर बात कर रहा हूं डबल कवर बर्ड जॉइंट के बारे में हमने यहां पर बात की ठीक है आप सभी लोग यहां पर देखेंगे कि मैं यहां पर बोल रहा हूँ कि हमारे पास ये हमारे पास दो प्लेट्स थी ठीक है ये हमारे पास क्या थी ये हमारे पास दो प्लेट्स आपको यहां पर देखने को मिली थी मैं बोल रहा हूँ दिस वॉज ऑल्सो फोर्टीन एम एम दिस दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस है ना ये हमारे पास गेट पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस आप सभी लोग इसको तीन स्टार आप लोग यहां पर मारेंगे आप सभी लोग यहां पर तीन स्टार इसको यहां पर लगाएंगे मैं बोल रहा हूँ ऊपर हमारे पास एक कवर प्लेट है और नीचे भी हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पर कवर प्लेट मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया ठीक है ऊपर और नीचे मैंने यहाँ पर दोनों जगह मैंने क्या किया यहाँ पर मैंने कवर प्लेट मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया अब हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पर हमारे पास बोल्टेड कनेक्शन हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया ठीक है बोल्टेड कनेक्शन हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया ये हमारे पास क्या हो रहा है बोल्टेड कनेक्शन हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया

बहुत ही अच्छा कंसेप्ट मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ यहाँ से आप लोग का सारी चीजें सारा कंसेप्ट आप लोग का यहाँ पर क्लियर हो जाएगा अब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ आप सभी लोग मुझे बताइएगा कि हमारे पास अगर मैं इस प्लेट्स में अगर मैं यहाँ पर फोर्स लगा रहा हूँ इन प्लेट्स में अगर मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर अगर मैं फोर्स अगर मैं यहां पर प्रोवाइड कर रहा हूँ तो आप सभी लोग यहाँ पर मुझे बताएंगे कि यहाँ पर नंबर ऑफ शेयरिंग प्लेन्स आपको यहाँ पर कितने देखने को मिल रहे हैं नंबर ऑफ शेयरिंग प्लेन्स यहाँ पर कितने आ रहे हैं कि हमारे पास ये जो हमारे पास जो बोल्ट जो है कि हमारे पास कितनी जगह से कट सकता है ठीक है नंबर ऑफ शेयरिंग प्लेन का मतलब क्या हमारे पास कि बोल्ट हमारे पास कितनी जगह से हमारे पास कट सकता है सभी लोग यहां पर देखेगा कि हमारे पास नंबर ऑफ लाइव व्यूवर्स जो आ रहे हैं हमारे पास बहुत कम आ रहे हैं इन केस अगर मैं हमारे पास स्टील स्ट्रक्चर अगर आगे जाके मैं रोक दूंगा तो आप लोग मेरे को क्वेश्चन मत करना कि सर मैं यहाँ पर क्यों मैं यहाँ पर कम कर दिया ठीक है स्टार्टिंग में अगर आप लोग देख रहे थे काफी ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर इंटरेस्ट दिखा रहे थे लेकिन वही स्टूडेंट्स यहां पर जो मुझे इतना ज्यादा पुश कर रहे थे कि सर प्लीज स्टील पढ़ा दीजिए स्टील पढ़ा दीजिए मैं सभी लोग के लिए यहाँ पर मैं YouTube में लेके आया जस्ट लुक एट द लाइव व्यूज है ना तो यहां पर आप लोग गयर, आगे जाके नहीं आया सेशन तो समझ जाएगा कि यहाँ पर आप लोग की मिस्टेक थी मेरी मिस्टेक नहीं थी ठीक है यहाँ पर आप लोग ने अपने अपने तरीके तरफ से पर लैगिंग दिखाई मैंने अपने साइड से यहाँ पर नहीं दिखाई चलिए समझते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ हमारे पास शेयरिंग प्लेन्स यहाँ पर कितने आ रहे हैं नंबर ऑफ शेयरिंग प्लेन्स के बारे में बात करूँ नंबर ऑफ हमारे पास शेयरिंग प्लेन्स के बारे में बात करूँ तो ये कितने होंगे हमारे पास एक यहां से हमारे पास शेयरिंग प्लेन आ सकता है और दूसरा अगर मैं बोल रहा हूं तो दूसरा आ सकता है हमारे पास यहां से दूसरा अगर मैं बात कर रहा हूं तो हमारे पास यहां से हमारे पास क्या हो रहा है शेयरिंग प्लेन आपको यहां पर देखने को मिल सकते हैं मैं बोल रहा हूँ थ्रेडेड पोर्शन हमारे पास समवेयर यहां से आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि हमारे पास नीचे भी एक कवर प्लेट हो गई है तो यहां पर हमारे पास क्या होगा मैं यहां पर बोल रहा हूँ थ्रेडेड पोर्शन बहुत ज़्यादा ऊपर से यहाँ पर स्टार्ट नहीं हो सकते तो मेरे को यहां पर बताइएगा हमारे पास अगर मैं शेयरिंग के बारे में बात कर रहा हूं तो VD SB अगर मैंने यहां पर निकाला तो फॉर्मूला कितना आता है हमारे पास दैट इज FUB बाय √3 गामा MB वैल्यू कितनी हमारे पास दैट इज NN ANB NS ASB मेरे को यहां पर सभी लोग बताइएगा NN और NS की वैल्यू कितनी आएगी है, है ना यहां पर NN और NS की वैल्यू यहां पर कितनी आ रही है सभी लोग यहां पर मुझे सॉल्व करके बताएं यहां पर देख के बताएंगे हमारे पास एन एन और एन एस की वैल्यू आपको यहां पर कितनी देखने को मिल रही है सभी लोग यहाँ पर बताएंगे हमारे पास नंबर ऑफ शेयर प्लेन्स पासिंग थ्रू रीजन एंड नंबर ऑफ शेयर प्लेन्स पासिंग थ्रू शैंक पोर्शन हमारे पास यहां पर कितना आपको यहां पर देखने को मिल रहा है कितनी आ रही है हमारे पास वैल्यू एन एन और एन एस की यहाँ पर वैल्यू आपको यहाँ पर कितनी देखने को मिल रही है सभी लोग कमेंट करके बताएंगे मुझे बहुत बढ़िया वेरी गुड प्रांशु एन एन और एन एस की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है दोनों यहाँ पर वन और वन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी ठीक है तो अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पर निकालना चाहता हूँ तो हमारे पास वी डी एस बी का फॉर्मूला कितना होगा हमारे पास दैट इज एफ यू बी मतलब हमारे पास फोर हंड्रेड डिवाइडेड बाई रूट थ्री इंटू वन पॉइंट टू फाइव इंटू वन इंटू ए एन बी की वैल्यू कितनी पॉइंट सेवन एट इंटू By 4 into 20 का की कितनी हमारे हमारे पास? पास का ठीक है? तो सभी लोग पर पर इसको करके बताएंगे की कितनी आ रही है यहाँ पर हमारे पास वैल्यू वीडीएसबी की यहां पर आपको कितनी देखने को मिल रही है सभी लोग यहाँ पर तुरंत मुझे सॉल्व करके बताएंगे हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आपको यहाँ पर कितनी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी जल्दी बताइएगा यहाँ पर है ना जल्दी बताएगा तब तक मैं यहां पर सेकेंड वाला स्टार्ट करता हूँ तो तो मतलब हम यहाँ पर, पर निकालना चाह रहे हैं वीडीपीबी का हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा वीडीपीबी का फॉर्मूला होगा हमारे पास दिस बीस टू पॉइंट फाइव टाइम्स ऑफ के बी एन टू एफ यू डिवाइडेड बाय गामा एम बी एन टू वैल्यू कितनी हमारे पास दैट इज डी इन टी मिनिमम के बराबर एन टू वैल्यू कितनी हमारे पास दैट इज डी इन टी मिनिमम के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी ठीक है तो इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अभी मुझे यहाँ पर सभी लोग बताएंगे कि हमारे पास वी डी एस बी की वैल्यू कितनी आई सभी लोग सॉल्व कर रहे हो नहीं कर रहे हो यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं अरे कोई तो बता दो यहां पर बी की वैल्यू कितनी आ रही है कितना है यहां पर 103.31 किलो न्यूटन इसकी वैल्यू आ रही हमारे पास दैट इज 103.31 किलो न्यूटन ठीक है चलिए यहां पर हम लोग देखते हैं अब हम यहां पर बेयरिंग स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं बेयरिंग स्ट्रेंथ कितना बोला है 2.5 टाइम्स ऑफ KB into FU अपॉन गामा MB into D into T मिनिमम तो देखो ये वाली वैल्यू तो हमारे पास सेम ही आएगी है ना ये वाली वैल्यू हमारे पास सेम आएगी बस आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है हमारे पास टी मिनिमम जो होगा हमारे पास किसके लिए डबल कवर हमारे पास बर्ड ज्वाइंट के लिए होगा तो तो ये हो is, तो ये होगा होगा हमारे that is, cover, 1, हमारे पास पास दैट दैट इज इज इसके बारे में बात टी कवर कवर थिकनेस ऑफ प्लेट हमारे पास टू या फिर होगा हमारे पास थिकनेस ऑफ मेन प्लेट के बराबर थिकनेस ऑफ मेन प्लेट के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा मतलब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो थिकनेस ऑफ कवर प्लेट की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास ये होगी हमारे पास एट एम एम और इसके बारे में बात करूं तो भी हो गया हमारे mm, मतलब mm, mm. मैं, मैं तो जो वैल्यू पास वो होगी फोर्टीन एम एम के बराबर आप हमेशा यहाँ पर ये यह वाला जो आप लोग को मैंने जो बताया क्राइटेरिया डबल कवर बर्ड ज्वाइंट में आप हमेशा आप यहाँ पर इसको याद रखेगा आप हमेशा यहाँ पर इसको याद रखेगा मिनिमम जो थिकनेस हम यहाँ पर लेते हैं वो हमारे पास कवर प्लेट की थिकनेस दोनों की एड कर देंगे समेशन या फिर हमारे पास मेन प्लेट की थिकनेस ये दोनों में से हमारे पास जो भी मिनिमम हो उसको हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे ना कि थिकनेस ऑफ कवर प्लेट वन और थिकनेस ऑफ कवर प्लेट हमारे पास टू और हमारे पास थिकनेस ऑफ मेन प्लेट ऐसा नहीं करना है हमारे पास दोनों समेशन लेना है थिकनेस ऑफ कवर प्लेट का और यहाँ पर मेन प्लेट का क्या करना है हमें यहाँ पर चेक करना है कि दोनों में से हमारे पास मिनिमम कौन है तो टी मिनिमम की वैल्यू कितनी है हमारे पास ये है हमारे पास दैट इज फोर्टीन एम तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ हमारे पास फॉर्मुला कितना हो जाएगा फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास दैट इज वी डी पी बी का इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास दैट इज चार सौ दसा एम बी कितना ठीक है डी की वैल्यू कितनी हमारे पास ट्वेंटी टी मिनिमम कितना है हमारे पास दैट इज फोर्टीन तो यहाँ से मुझे आंसर बताएंगे हमारे पास कि हमारे पास यहाँ पर वी डी पी बी की यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही है वी डी पी बी की यहाँ पर वैल्यू हमारे पास कितनी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है ये वाला जो फोर्टीन जो आया है इसको आप सभी लोग यहाँ पर याद रखेगा ये वाला जो फोर्टीन जो आया हमारे पास ये जो फोर्टीन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस फोर्टीन को यहाँ पर सभी लोग याद रखेगा क्राइटेरिया क्या था हमारे पास क्राइटेरिया था हमारे पास दोनों कवर प्लेट जो हमने लगाया है उसका सम्मेशन और हमारे पास जो मेन प्लेट की जो थिकनेस होगा उसके बारे में बात कर रहा हूँ दोनों में से जो मिनिमम आपके पास होगा उसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया तो वैल्यू कितनी है हमारे पास फोर्टीन आपको यहाँ पर देखने को मिली तो मैं बोल रहा हूँ हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर इसकी वैल्यू आ रही हमारे, हमारे 114 114 है हाँ आपको यहां पर देखने को मिला तो मैं बोल रहा हूं स्ट्रेंथ जो होगा हमारे पास बोल्ट का स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट हमारे पास इस ज्वाइंट के लिए अगर मैं यहां पर बात करूं तो वो कितना होगा हमारे पास वन वन फोर और हमारे पास मिनिमम कितना आया था यहां पर

कल भी हम लोग यहाँ पर आप लोग को बताना चाह रहे थे लेकिन कुछ यहाँ पर रीजन के कारण हम लोग यहाँ पर बता नहीं पाए आप सभी लोग यहाँ पर देखेगा आप सभी लोग अगर यूट्यूब में जाओगे हमारे पास अगर आप सभी लोग यहाँ पर यूट्यूब में अगर आप सभी लोग यहाँ पर गेट अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन में अगर आप यहाँ पर जाओगे ठीक है गेट अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन में अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास अभी ना यहाँ पर आप सभी लोग के लिए एक ना टेक फेस्ट हमने यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया ठीक है ये टेक फेस्ट कब होने वाला है हमारे पास ये बारह बजे होने वाला है दैट इज कल की डेट में ठीक है ये टेक फेस्ट के बारे में बात करो तो आप सभी लोग के लिए हम यहाँ पर एक टेक फेस्ट क्या, क्या किया आप लोग के लिए यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे ठीक है आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर ये कल की डेट में दैट इज ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ जुलाई की डेट में हमारे पास ये दिन के बारह बजे हमारे पास ये वाला सेशन रहेगा मैं बात 2023 के यहाँ पर जितने भी होंगे, उनके लिए हम यहाँ पर एक अमेजिंग गिव अवे लेके आ रहे हैं तो जिसका हमने नाम दिया दैट इज टेक फेस्ट जैसे हमारे कॉलेजेस में हमारे पास टेक फेस्ट हमेशा होता था सेम उसी से हम लोग यहाँ पर गेट अंडर ट्वेंटी फोर सेवन यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रहे आप सभी लोग के लिए टेक फेस्ट तो आप सभी लोग ये वाला जो सेशन जो बना हुआ है हमारे पास ठीक है ये वाला सेशन जो बना हुआ है आप सभी लोग जाइएगा कल वाला जो सेशन जो बना है हमारे पास उसमें जाके आप सभी लोग पर क्या करेंगे दैट इज आप सभी लो यहाँ require, सभी लोग लोग पर पर लाइक लाइक कर कर दीजिएगा दीजिएगा ठीक है एक बार और ना यहाँ पर कुछ अमेजिंग सब पूरी, टी, मतलब पूरी टीम मतलब मैं रहूंगा प्रतीक सर रहेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिकल की पूरी टीम रहेगी मैकेनिकल की पूरी टीम रहेगी सभी लोगों के लिए यहाँ पर आपके पास अगर आप देखोगे तो ये इवेंट ना बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है आप सभी लोग के लिए तो जितने भी पर YouTube हमारी जो जो है 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 ये वाला कल वाला कल दिन के के हमारे पास है ना, 12 12 बजे ना बारे जुलाई ट्वेंटी तो बोल रहा हूँ आप सभी लोग अटेंड करेगा ठीक है इसको बिल्कुल भी आप लोग इसको भूलिएगा मत सभी लोग इस टेक फेस्ट को यहाँ पर अटेंड करेगा आप सभी लोग के लिए बहुत अमेजिंग सा है, हम लोग सभी लोग ने तो वो मैं अभी रिवील नहीं करूंगा वो मैं कल बारह बजे ही आप लोगों को बताऊंगा पूरी टीम बता होगी मेरे साथ आप को बताने के लिए तो सभी लोग अभी क्या करना है? आप आप लोग लोग ये वाला जो इवेंट अभी यहां पर यूट्यूब में तो ऑलरेडी है आप सभी लोग, ये जो इवेंट जो है, आप लोग यहां पर इसको जाके प्लीज लाइक कर दीजिएगा एंड कल का जो हमारे पास टाइम है दैट इज ट्वेल्व पे का इसको आप सभी लोग बहुत ही अच्छे लेवल पे आप लोग यहाँ पर मार्क कर लीजिएगा ठीक है ये टेक फेस किससे रिलेटेड होगा तो थोड़ा सा बता दो कल ही कल यहाँ पर नोटिफिकेशन यहाँ पर आया हुआ है तो आप लोग देखिएगा गेट 2023 की से रिलेटेड हमारे पास ये टेक फेस्ट हमारे पास होना होने वाला है एंड अमेजिंग आप लोग को यहाँ पर सरप्राइज आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो सी यू ऑल टुमारो एट 12 पीएम फॉर दिस टेक फेस्ट ठीक है चलो बाँ बाँ एवरीवन मिलते हैं अपन फिर नेक्स्ट सेशन में।